स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम साइको लिंग्विस्टिक है। तो साइको लिंग्विस्टिक का ये तो इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, इसमें थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, बाकी हम इसका जो लेक्चर है ना वो प्रॉपर नोट से करेंगे। तो आज हमने स्टडी करना है, सबसे पहले तो साइको लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन कर लेते हैं। साइको लिंग्विस्टिक जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक साइको और एक लिंग्विस्टिक। साइको का जो ताल्लुक होता है वो आपके दिमाग के साथ होता है, आपके जहन के साथ होता है, और लिंग्विस्टिक के बारे में हम पहले ही जानते हैं जो कि हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज अबाउट जो आपके ब्रेन होती है, आपके माइंड के अबाउट होती है ना, उसको साइको लिंग्विस्टिक कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं जो आपको ईजी लगे आपको जो है अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। साइको लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कंप्रीहेंड प्रोड्यूस एंड एक्वायर नॉलेज। साइको लिंग्विस्टिक जो है एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसमें इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है कि कैसे कोई पर्सन जो है किसी ज़ुबान को समझता है और उसके जो है ना उसके रिस्पॉन्स में जो है कोई पैगाम देता है या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और नॉलेज जो है वो हासिल करता है। तो ये प्रोसेस साइको लिंग्विस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, साइको लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द माइंड इक्विप्स ह्यूमन बीइंग्स टू हैंडल लैंग्वेज। तो साइको लिंग्विस्टिक इसे भी कहते हैं कि किस तरह से इंसानी जहन जो होता है वो किस तरह से किसी लैंग्वेज को समझने में, उसको बोलने में, उसको जो है ट्रांसलेट करने में रोल प्ले करता है, इस चीज़ की स्टडी साइको लिंग्विस्टिक कहलाती है। इसके बाद प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन साइको लिंग्विस्टिक। तो साइको लिंग्विस्टिक में जो है तीन स्टेप जो है इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, सेकेंड इज़ लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड थर्ड इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज कंप्रिहेंशन की। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ कैपेसिटीज, स्किल्स, प्रोसेसेस, नॉलेज एंड डिस्पोजिशन डैट आर यूज्ड टू ड्राइव मीनिंग फ्रॉम स्पोकन, रिटन एंड साइन लैंग्वेज। कंप्रीहेंड का जो मतलब होता है ना वो मेनली होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। तो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में यही सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि किस तरह से हम अपनी कैपेसिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ महारतें सीखते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ नॉलेज सीखते हैं, किस तरह से चीज़ों को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जो है चेंज करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, या किस तरह से हम कुछ जो है ना अपने मेंटल लेवल को यूज़ करते हुए कुछ लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में आती हैं, जिसमें आपका दिमाग जो है वो समझता है कि क्या बात हो रही है, क्या कोई बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डैट अकर्स ईजीली एंड एफर्टलेसली बाई ह्यूमन्स। अब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है ना आम तौर पे इंसानों के लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। जाहिर सी बात है हम जो ज़ुबान बोल रहे होते हैं वो हमें आती है, तो जब हमसे कोई अगला बंदा उसी ज़ुबान में बात करता है तो हम आसानी से उसको समझ जाते हैं, हमारा दिमाग जो है उसके बारे में सोचने लग जाता है। अगर कोई हमें जो है कोई गलत बात कह दे, कोई ताना दे दे या कोई ऐसी बात कह दे तो वो बात जो है हमारे जहन में अच्छी तरह से बैठ जाती है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोडक्शन, जो दूसरा स्टेप था लैंग्वेज प्रोडक्शन। लैंग्वेज प्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज जो है बोली जाती है या लिखी जाती है ना वो प्रोड्यूस कैसे हुई है, उसका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना वो लैंग्वेज प्रोडक्शन कहलाता है। इट डिस्क्राइब्स ऑल ऑफ द स्टेजेस बिटवीन हैविंग अ कॉन्सेप्ट एंड ट्रांसलेटिंग दैट कॉन्सेप्ट इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म। मतलब एक बात है, हमारे जहन में एक बात आई है कि जो है मेरा कल पेपर है लिंग्विस्टिक का, ये बात आपके माइंड में जहन में आई है, आपको टेंशन है कि आपने इसकी तैयारी करनी है। अब आप जब इस बात को अपने दोस्त को जो है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट के फॉर्म में कैसे कहेंगे, आपका यानी ब्रेन जो है उसके लिए आपके ब्रेन में जो है ना ऑलरेडी वो वर्ड्स अवेलेबल होंगे कि कल मेरा लिंग्विस्टिक का पेपर है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में ऑलरेडी हैं। तो आप क्या करेंगे, उनको जो है एक अरेंजमेंट में दे के अपने व्हाट्सएप जो है ना व्हाट्सएप पर उसको टाइप करेंगे और अपने फ्रेंड को जो है सेंड कर देंगे। मतलब आपके माइंड ने आपकी बात को समझा, उसको ट्रांसलेट किया और फिर आपने जो है ना उसको लिंग्विस्टिक के फॉर्म में, एक ज़ुबान के फॉर्म में लिख के जो है ना वो सेंड कर दिया। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना लैंग्वेज प्रोडक्शन कहलाता है। इसके बाद आ जाती है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका एक हमने टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज वाला भी करना है, अभी फिलहाल इसको सिर्फ देख लेते हैं।
और लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस अक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव एंड कम्प्रीहेंड लैंग्वेज। इसमें जो है इस चीज़ का नॉलेज होता है कि इंसान जो है किस तरह से किसी चीज़ को, किसी पैगाम को वसूल करने की, उसको समझने की, उसको जो है अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखते हैं, एज़ वेल एज़ टू प्रोड्यूस एंड यूज़ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट, और किस तरह से वो मुख्तलिफ अल्फाज का, मुख्तलिफ जुमलों का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ जस्ट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक विच इज़ ऑल अबाउट हाउ पीपल लर्न टू स्पीक एंड द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है एक साइकोलिंग्विस्टिक का एक फीचर है जिसमें इस बात का मुताला किया जाता है कि लोग कैसे बोलते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से उनका जो दिमाग होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ये तो थे हमारे इसके मेन मेन कॉन्सेप्ट, बाकी अब इसका डिटेल में हम करेंगे। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर मैं आपको देने जा रही हूँ वो हमारा होगा साइकोलिंग्विस्टिक के जो है डिटेल लेक्चर, और उसके बाद जो है ना हमने उसकी साइकोलिंग्विस्टिक की थ्योरीज़ करनी है, और फिर हम जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज़ भी करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है, और बाकी जो कन्फ्यूजन रह गए होंगे वो इंशाल्लाह जो है नोट्स वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।